आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमसे हजम ही नहीं हो रहे आपके अच्छे दिन। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो अपने मन की कहते हैं और खुद ही सुन लेते हैं। 700-800 के दिन भर में काम होता है, 300-400 का गैस से लग जाता है। 1000 भी कमा लो तो 200 रुपए बचाना मुश्किल है। क्या करें, गरीब आदमी मर रहा है, जो लाइन में लगाओ, ये बंद करो, नोट बंद करो, क्या हो रहा है? व्यापार खत्म है, काम धंधा है नहीं, महंगाई की मार है और सरकार अत्याचार है और ड्राइवर परेशान है। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमारी उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के, उनके चरण स्पर्श करके, कि वो वाले बुरे दिन दे दो, क्योंकि हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमसे हजम ही नहीं हो रहे आपके अच्छे दिन, हम अपने वही बुरे दिन चाहते हैं, तो कृपया हमें वही दिन वापस कर दो। मोदी जी मन की बात करते हैं, वो अपने मन की कहते हैं और खुद ही सुन लेते हैं, अपने मन की बात अपने को सुन लेते हैं। अगर कोई उनकी मन की बात नहीं सुनता तो उसे FIR करा के बंद करा देते हैं। बाकी रह गई ऑटो टैक्सी का भला करने के लिए, तो वो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा भला किया है, जो चालान 100-200 रुपये में नहीं पड़ता था, आज वो 20,000-50,000 से नीचे बात नहीं होती है। अगर एक ऑटो टैक्सी वाला रोड साइड किनारे किसी पैसेंजर को ड्रॉप करता है तो उसका चालान 12,500 रुपये का एक मिनट के अंदर ऑनलाइन बना के भेज देता है। तो ये अच्छे दिन हमें मिल रहे हैं और हम इन अच्छे दिनों को नहीं चाहते। हमारी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि अब आप रिटायर हो जाओ और हमें हमारे पुराने वाले बुरे दिन, जो बहुत ही गंदे दिन थे, वो हमें वापस कर दो, हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये हम जहाँ खड़े हैं ना, ये जगह, ये कांग्रेस की देन का, कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ ये टैक्सी स्टैंड है, ना कि भाजपा की सरकार का। यहाँ जितने भी ऑटो टैक्सी वाले खड़े हैं अपना रोजी रोजगार यहीं से चलाते हैं। और आपने बात कही पेट्रोल की, डीजल की और CNG की, तो जब 35 रुपये की CNG थी, जब मोदी जी पधारे थे, जब उनका आगमन किया था, हमने भी किया था ये सोच के कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, मगर वो हमारी गलत फहमी थी। आज CNG 90 रुपये है और किराया वहीं का वहीं है। आज ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में रोज जूताबाजारी होती है, रोज 1200 रुपये की आदमी ड्राइवर काम करता है, 600 रुपये की CNG फूक देता है, 300 रुपये में घर में दूध पानी सब्जी लेके जाता है, 300 रुपये में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्यों गाड़ी की किस्तें नहीं डाली? चोलामंडलम वाला अलग से ढूंढ रहा है, श्रीराम वाला अलग से ढूंढ रहा है, महिंद्रा वाला अलग से ढूंढ रहा है, HDFC वाला अलग से ढूंढ रहा है। गाड़ी सड़क पे निकालते ही भूखे भेड़ियों की तरह फाइनेंस कंपनी वाले गाड़ियां लूट रहे हैं। ये अच्छे दिन है हमारे लिए? नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन, हमारे बुरे दिन दे दो हमें। महंगाई 4 गुना, आमदनी 0, समझ रहे हैं आप? आज भी आप किसी सिक्योरिटी गार्ड का जाके पूछ लीजिएगा, ये जो ATM में बैठे हैं उनसे जाके पूछना, वो आज भी 10,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं और आज वो अपने बच्चों को नहीं रख पा रहे यहाँ पे, एक एक कमरे में जानवरों की तरह रहते हैं। कभी जाके देखो उनका दर्द समझो, 10,000 रुपये कमाने वाला 4-4, 6-6 लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे। इस देश की जनता 80 करोड़ के आसपास की जनता को 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पे टेक रखा है। अब सीधी सी बात मुझे ये बताओ, 5 किलो गेहूं ले ले, मुट्ठी भर खा लें और खा के मर जाएं, पर गेहूं क्या करें उस गेहूं का? भाई गेहूं की पिसाई भी लगेगी, गेहूं को आटा बनाने और रोटी बनाने के लिए गैस लगेगी 1200 रुपये, 200-180 रुपये सरसों का तेल, ठीक है, उसके बाद दाल, उसके सब पे GST लग गया, उसके बाद दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, कुछ तो बनाओगे, तो उसके बाद उसको गेहूं को ले लें, चबा लें, खा लें, मर जाएं। ये गेहूं इसीलिए दिया जा रहा है। उनका नारा है गरीबी हटाओ, क्या गरीबी है, इन गरीबों को हटाओ, हमारे बड़े बड़े सरमाएदारों को आने दो, अडानी अंबानी को आने दो या उनके लोगों को आने दो, गरीबों को साइड करो। गरीब उनको अच्छे नहीं लगते, वो कहते थे हम चाय वाले हैं, हम चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते उन्होंने आधा देश तो बेच दिया। उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना होके बिचंदर दामोदर दास मोदी होना चाहिए, क्योंकि जो बना है उसको बेच रहे हैं, या किराए पे दे रहे हैं या बेच रहे हैं। अपना कुछ बनाया तो दिखाओ, बनाए हैं अपने बड़े बड़े पार्टी कार्यालयों के करोड़ों करोड़ों रुपए के कार्यालय बनाए हैं, अपने लिए बढ़िया 85-85 हज़ार करोड़ के जहाज खड़े कर रखे हैं, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। 15 लाख का एक बारी में कपड़ा उतार के दोबारा नहीं पहनते, वो हर मीटिंग में जाते हैं, हर आंदोलन में उनका देखना, ठीक है, वो हर बार एक ड्रेस चेंज करके आते हैं। अगर आज यहाँ पे रैली करेंगे दिल्ली में, और अगर पंजाब करेंगे तो रास्ते में कपड़ा चेंज कर लेंगे। काम धाम कहाँ आए यहाँ पे? वही 700-800 के दिन भर में काम होता, 300-400 का गैस से लग जाता है, 100 रुपये रोटी पानी खा लिए, बचा कुछ नहीं। देखो इतना सब कुछ तो कुछ भी नहीं बदला, आम आदमी के लिए कोई बदलाव नहीं। उस बदलाव का एक बड़ा कारण भी बताता हूँ, एक सरकारी आदमी लाख रुपया सैलरी लेता है, एक प्राइवेट आदमी 10,000 रुपया सैलरी लेता है, कैसे बदलाव की बात आएगी? 10,000 वाला कैसे गुजारा करेगा, परिवार चलाएगा ना?
लाख रुपए वाला तो गुजारा कर लेगा, चार आदमी को पाल लेगा, लेकिन एक 10,000 कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा? जब 15,000 महीने के 500 रुपया कमा के ले गया दिल्ली शहर में, तो 500 रुपए में तो दाल सब्जी रोटी वाला ही खर्चा होगा। 1,000 भी कमा लो तो 200 रुपए बचाना मुश्किल है। पहले 400 ही कमाते थे, लेकिन 200 कमा के बचा के ले जाते थे, लेकिन 1,000 भी कमा लो तो 200 बचाना मुश्किल है। निचले वालों को और धक्के मार दिए उन्होंने, धक्के मार दिए, नीचे रह गए वो। इसमें कौन बीजेपी में कौन कमाया? बिजनेसमैन, और कोई नहीं कमाया। क्या करें, गरीब आदमी मर रहा है, जो लाइन में लगाओ, ये बंद करो, नोट बंद करो, क्या हो रहा है? महंगाई कहाँ भाग रही है? महंगाई बढ़ रही है, घट रही है? क्या अच्छा हो रहा है? जब तक गरीब आदमी के लिए कुछ अच्छा ना हो तो क्या है।